नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, सरकार ने DA को लेकर जारी कर दी है नई अपडेट। तो दोस्तों, वो कौन सी नई अपडेट है जो सरकार ने जारी की है, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, बीते लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, अब केंद्र सरकार ने इसे को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर वायरल हो रहा है जिसमें महंगाई भत्ते को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। अभी बीते कुछ समय से कई ऐसी खबरें देखने को मिल रही है जिनमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा है कि जिस सर्कुलर में यह दावा किया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होने वाली है, यह फेक है। सरकार ने अपने बयान में यह साफ कह दिया है कि अभी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रसारित हो रही सर्कुलर को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया है कि यह भारत सरकार नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से फेक है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी दावा किया कि अभी महंगाई भत्ते को लेकर किसी भी तरह के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाले महंगाई भत्ते का केंद्र सरकार हर वर्ष 2 बार आंकलन करती है और आवश्यकता के अनुसार उसमें इजाफा भी करती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर निर्भर करती है। AICPI इंडेक्स में बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ते में भी इजाफा होता है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी को वर्तमान में 34% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के हालिया अपडेट के अनुसार अभी इसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।